हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक फ़ोन पे अकाउंट है और दोस्तों आप अपने फ़ोन पे अकाउंट के जो वॉलेट का जो पैसा है, सारा का सारा पैसा दोस्तों अगर आप अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो दोस्तों बहुत आसानी से आप अपने फ़ोन पे वॉलेट का जो जितना भी पैसा है, जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन पे वॉलेट के अंदर 500 रुपये हैं या 1000 रुपये हैं या 2000 रुपये हैं, 5000 रुपये हैं, जितना भी आपके फ़ोन पे वॉलेट के अंदर जितना भी पैसा है, सारे के सारे पैसे को अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो 0% चार्जेस पे, जी हाँ दोस्तों, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, बिल्कुल 0% एडिशनल चार्जेस में आप जो है पूरा का पूरा आपका फोन पे वॉलेट का जितना भी पैसा है, जैसे आपके अकाउंट में 1000 रुपये, तो 1000 के 1000 रुपये आप जो है अपने फोन पे वॉलेट से जो है आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, जिसका यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्ड परचेस करके कैसे आप कर सकते हो। इस वीडियो में अपन गोल्ड परचेस करने की बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में अपन दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक भी एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, बिना किसी एडिशनल चार्ज के 0% चार्ज पे आपका जितना भी फोन पे वॉलेट का जो पैसा है, सारा का सारा आप जो है अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे। अब दोस्तों इससे क्या होगा, तो यह मैं आपको सबसे पहले इसका ड्रॉबैक बता देता हूँ, इससे आपका फोन पे अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद आप सेम नंबर से फोन पे अकाउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तरीका आप तभी यूज़ कीजिएगा अगर आप फोन पे वॉलेट को जो है डीएक्टिवेट करना चाहते हो, या फिर आपका जो जितना भी सारा का सारा जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में शिफ्ट करना चाहते हो, या तो फ्यूचर में आप जो है सेम नंबर से नहीं कर पाओगे, दूसरे नंबर से जो है आप फोन पे वॉलेट का जो है फोन पे अकाउंट बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूं, बता दूं किस तरह से आप 0 रुपए एडिशनल चार्ज के, यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, 0% एडिशनल चार्जेस के आपका जितना भी फोन पे वॉलेट का जो पैसा है, सारा का सारा कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब अगर फोन पे वॉलेट के जितना भी पैसा है आपका, जितना भी बैलेंस है, उसको सीधा अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट करना चाहते हो बिना किसी एडिशनल चार्जेस के, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन पे वॉलेट ओपन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं माई मनी वाले सेक्शन में आके यहाँ पे आपको मेरा फोन पे वॉलेट का जो है बैलेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे बैलेंस के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है देख सकते हो आप, मेरे बैलेंस में अभी करंट बैलेंस है 200 रुपये, ठीक है दोस्तों, 200 रुपये मेरे फोन पे वॉलेट में है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली जो है आपको बैक करना है, यहाँ पे मैंने बैक कर दिया, मेरा जो है नीचे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है माई मनी वाले सेक्शन में मैं आ जाता हूँ, माई मनी वाले सेक्शन पे ऊपर आने के बाद यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको एक क्वेश्चन मार्क का एक आइकन दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन मार्क का एक आइकन दिखाई दिया है, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल जो आती है, बेल के पास में एक क्वेश्चन मार्क वाला एक आइकन है, उस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, माई अकाउंट का, सिक्योरिटी का, KYC का, बैंक अकाउंट का, फोन पे गिफ्ट कार्ड का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है फोन पे गिफ्ट कार्ड का, यहाँ पे देख सकते हैं वॉलेट एंड फोन पे गिफ्ट कार्ड, इस वाले बटन पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, फोन पे वॉलेट, अदर वॉलेट, फोन पे गिफ्ट कार्ड, अदर गिफ्ट कार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर ऊपर पहला नंबर वाला जो ऑप्शन है फोन पे वॉलेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, यूजिंग फोन पे वॉलेट, क्लोजिंग फोन पे वॉलेट और KYC, कैशबैक रिवॉर्ड रिफंड ट्रांजेक्शन लिमिट। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का एक ऑप्शन है रीएक्टिवेटिंग और क्लोजिंग फोन पे वॉलेट, इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे लास्ट वाला एक ऑप्शन आएगा, हाउ डू आई क्लोज माई फोन पे वॉलेट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों ये जो है आपको ये बताएगा बेसिकली कि यहाँ पे जितने भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कि अगर आप फोन पे वॉलेट को अगर आप डीएक्टिवेट कर दोगे तो आप दोबारा से इसको जो है रीएक्टिवेट नहीं कर पाओगे, सेम नंबर से आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, पर आपका जितना भी फोन पे वॉलेट का जितना भी पैसा है वो सारा का सारा जो है आपका डायरेक्ट जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी की सारी जितने भी जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये सारा पढ़ने के बाद दोस्तों नीचे आपको आना है, दोस्तों यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा दोस्तों क्लोज वॉलेट का, यहाँ पे जो है देख सकते हैं दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। इस पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है रिफंडेबल बैलेंस यहाँ पे देख सकते हो, मेरा फोन पे वॉलेट का जो 200 रुपये वो यहाँ पे इसने जो है ऑटोमेटिकली फैच कर लिया, यानी कि मेरे जितने भी फोन पे वॉलेट के जितना भी जो भी पैसा होता है यहाँ पे आ जाएगा। आपके मान लीजिए 500 रुपये, तो यहाँ पे आपके 500 रुपये लिखे हुए आ जाएंगे, अगर आपके 1000 रुपये तो 1000 आ जाएंगे। इस तरह से दोस्तों जितना भी आपके फोन पे वॉलेट का जो पैसा है यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे बोलेगा प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई वुड यू लाइक टू डीएक्टिवेट योर अकाउंट, चेंज मोबाइल नंबर, विड्रो वॉलेट बैलेंस, अनहैप्पी विद सर्विस और अदर। तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड वाले बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट आप सेकंड नंबर ही चूज कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वॉलेट बैलेंस आपको विड्रॉ करवाना है तो। ये करने के बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे सिंपली कंफर्म बटन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। कंफर्म बटन वाले पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट योर फोन पे वॉलेट, इसके बाद ये बोलेगा कि आप जो है बाद में जो है इसको रीएक्टिवेट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे डीएक्टिवेट वॉलेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे बोलेगा प्रोसेसिंग फोन पे वॉलेट क्लोजर, यहाँ पे जो है फोन पे वॉलेट जो है बंद हो, ये क्लोज करने के लिए बताएगा पूरा का पूरा, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद जितना भी आपका फोन पे वॉलेट का जो पैसा है वो सारे का सारा आपका बैंक अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अब लिखा हुआ आ जाता है कि फोन पे वॉलेट डीएक्टिवेटेड, योर वॉलेट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, यू विल नॉट बी एबल टू यूज फोन पे वॉलेट विद दिस नंबर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है मैंने बैक कर दिया। अब बैक करने के बाद मैं दोबारा आता हूँ अपने इस पे और मैं आपको मेरा जो है वॉलेट बैलेंस अब दोबारा से दिखा देता हूँ।
अब ये देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो है वॉलेट बैलेंस 0 पे है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है योर वॉलेट इज गेटिंग क्लोज, कंटिन्यू एंजॉय फॉलोइंग बेनिफिट, यूज फोन पे वैलेट वॉलेट टू बैलेंस टू पे और गेट कैशबैक एंड ऑफर। यानी कि जो वॉलेट है मेरा वो क्लोजिंग हो गया है उसका, और अब जो जितना भी वॉलेट के अंदर जितना भी पैसा था मेरे वॉलेट के अंदर 200 रुपए थे, तो सारा का सारा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो है शिफ्ट हो जाएगा, जो भी मेरा बैंक अकाउंट कनेक्टेड था फोन पे से। ठीक है दोस्तों, आपको भी इतनी ये प्रोसेस करना है जिससे आपका जो है फोन पे वॉलेट के जितने भी पैसा है जितना भी मनी है वो सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे बिना किसी एडिशनल चार्जेस के। तो ये एक सिंपल सा तरीका था जिससे मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर आप फोन पे वॉलेट को अगर रिएक्टिव रखना चाहते हो, डिलीट नहीं करना चाहते, उसके बाद भी आप अपने फोन पे वॉलेट के पैसे को अगर बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो दोस्तों उसका एक दूसरा तरीका है जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वो तरीका है दोस्तों गोल्ड परचेस करने का, जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपको लिंक दे दिया था आई बटन पे। और अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो उसका गोल्ड परचेस करने का वो वाला उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उसमें बेसिकली ये है कि आप गोल्ड परचेस कर सकते हो फोन पे वॉलेट के पैसे से, और उसके बाद फिर उसको सेल कर सकते हो। तो जब आप सेल करोगे तो वो सीधा सीधा पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, बट उसका कुछ चार्जेस करता है, उसमें कुछ 3% का GST लेते हैं, GST करता है जब आप गोल्ड परचेस करते हो तो। बट वो भी तरीका दोस्तों बहुत अच्छा है, वो तरीका बेस्ट है आई थिंक, क्योंकि बस उसमें कुछ आपका 3% का GST करता है, बट आपका फोन पे वॉलेट का जितना भी पैसा है बाकी का जितना भी पैसा है 3% के अलावा वो सीधे की सर आपके बैंक अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। उस वीडियो का लिंक मैं दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये वाला इस वाले तरीके से आपके फोन पे वॉलेट का सारा पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपकी समस्या है, सुझाव है, क्वेश्चन है, नीचे आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप सभी, तब तक के लिए बोलते हैं हर मध्य।